इसके साथ में जैसे कि भाई असंख्य नाथ महाराज है, नाथ पंथ में है, तो इनके साथ में गुरु गोरखनाथ और जारवीर बाबा, जी इन दोनों की सेवा है। क्योंकि नाथ पंथ है, नाथ पंथ में चलते हैं तो सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जी का आदेश है, गुरु गोरखनाथ जी के आदेश पे चलते हैं। भाई नाथ पंथ हो गया, नाथ पंथ में जाने के बाद भादवे में नौवे के दिन या पूरा भादवा में कभी भी जब भी समय उचित होता है उसी दौरान अपने पास से उसकी रात जगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। प्रसाद में आदमी भी 500-400 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, जो दूर भाई भगत जो सेवक आते हैं भाई जिसका दुख दूर हो गया उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, अगर भाई आओ अपना प्रसाद लेके जाओ। अच्छा मतलब यहाँ आप भंडारा, हाँ अपने आप यहाँ से भंडारा करते हो, तो जितने भी भक्त जो आते जाते हैं अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं वो भंडारे में शामिल होते हैं, शामिल होते हैं। और ये भंडारा होता है भादवे में, भादवे में। और कुछ फुटेज मेरे पास भी आई थी जो पीछे से आपने करवाया था, उस मुद्दे पर मैं थोड़ा अटकन है, फिर दोबारा से आऊंगा। आगे बताओ इसमें फिर, मतलब भंडारा जैसे होता है रात जगाई जाती है तो उस टाइम पर फिर क्या होता है? उस टाइम पे ये है जी, जिस भाई भगत में कोई दोष रोग है उस रोग का भी समाधान करा जा है, और भाई उसका देवी देवता की कोई कमी है या कोई पूजा पाठ में कमी है वो बताई जाती है। अगर कोई वजह से ओपरा पराय का रोग हो गया उसका भी समाधान कराया जाए उस वक्त। फिर भगत जी ओपरे पराय का जो मान ले किसी का रोग है, फिर अपन बेरा के ऊपर पट है इसमें कौन सा ओपरा है, कौन सा पराया है, कौन सा घर का है, इसका बेरा किस तरह पट है? इसका नियम है जी महाराज जी की हाजरी हो है। अच्छा। और एक एक चीज अगले घर के पूरी ये समझो अगले की 7 पीढ़ी तक के पीछे की बता देते हैं। अच्छा, अच्छा। भाई तेरा उस इससे वंश चला है, तेरा ये वंश चला है, इतने प्राणी थे इसमें उनसे तुम्हारा वंश चल रहा है, यो जो पितर रूप है वो यो पितर रूप है तेरा, एक एक चीज उनको समझाई जाती है बताई जाती है। अच्छा, अच्छा। और जितनी भी कोई भाइयों का है अग भाई ये सब ढोंग है भाई हमारे दरबार में आ जाओ अगले की 7 पीढ़ी तक का हम बता देंगे, अग भाई तेरा यो तेरा पितर है, इतने तेरा वंश चल रहा है और ये काम है। सुनो भाई चैलेंज है यो, चैलेंज है भाई इस बात का, इस दरबार से ये चैलेंज है कि पहली बात नंबर एक तो यहाँ किसी प्रकार के ढोंग के माध्यम से कुछ लिया नहीं जाता, दूसरी बात निष्काम भाव से और निःशुल्क इलाज कराया जाए, और जो उस इलाज में भाई किसी ना कहीं त्रुटि लागती हो या न्यू सोचता हो तो भाई आके ना प्रत्यक्ष भी कर सके है, ये पूरा चैलेंज है। प्रत्यक्ष में अपना देख सके है, आ सके है, हमारे द्वारा आना जाना उसका काम, अगर किराया नहीं है तो वो अपने पास से दे देंगे, अपनी मन की तसल्ली कर सके है भाई। और जो भाई ने कहे ये चीज कुछ ना होती, चीज सारी है भाई, जो मन है उसके लिए सब है, जो ना है मानता उसका तर कुछ भी कौन है भाई। अच्छा एक बात और है, अगर मान ले कोई सा रोगी है और वो थोड़ा दूर है भाई नहीं आ सकता, असमर्थ भी है, या उसने मंगल शनिवार के अलावा अगर उसने मान ले कोई पूजा पाठ की जरूरत पड़ जाए तो फिर वो बीच में आ सके है या आपने बुलाओ तो आप जा भी सको? देखो जी अगर कोई ऐसी कहानी है कि भाई ज्यादा है कोई दिक्कत वाली बात हो जाए है, एक मजबूरी हो जाती है इंसान की, अगर भाई समय उससे निकल नहीं सकता, उससे पहले कोई भाई कुछ भी हो सकता, हादसा भी हो सकता है किसी प्रकार से किसी भी रूप में, तो अगर इतनी इमरजेंसी कोई हो जाती है तो उसको हम बीच में बुला लेते हैं। ठीक है, तो भाई ये एक विशेष बात थी कि दरबार का जो टाइम है वो मंगल और शनिवार को है, दिन का होता होगा? दिन का। तो भाई सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, उस दौरान में आपने इस वीडियो की स्क्रीन पे भगजिया के नंबर भी मिलेंगे, आप उस पर संपर्क कर सको हो। ध्यान रहे कि 5 बजे के बाद ना करें कोशिश जितनी भी हो, क्योंकि 6 बजे के बाद में पूजा पाठ का समय हो जाता है भाई, आरती भी है, भोग भी है, बाबा की सारी सेवाएं भी है, उस टाइम पर डिस्टर्ब ना करें। ज्यादातर हो सके तो कोशिश करें कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक करवाओ। Yeah.
सवाल और जो मैंने इब्बे फुटेज देखी थी कि जिस टाइम पर जो रात जगाई गई थी उस टाइम के ऊपर जिसने आप मतलब अध्यात्म के ओढ़ते हैं चबुक बोला हाँ कोई भाई कोरडा कह दे कोई मतलब ये जितने भी हरियाणा के जितने लोग हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग थोड़े विचार और भाषा हो है तो लेकिन मैंने मतलब हमने सुना जो तसल्ली करी तो इसको बोलते चबुक चबुक तो दरबार में जब रात जगावे थे तो कई मैंने देखे उस फुटेज में कि वे लोग चबुक मारने लग रहे हैं कारण क्या है ये पाखंड तो नहीं है कोई फिर ये देखो जी ये पाखंड नहीं है ये के जब उस महाराज की सवारी आती है तो एक मन की भावना हो जाती है उस भावना के तहत इंसान के मतलब बस की बात नहीं रहती उस दौरान में अच्छा अक वो इसको ये समझो इसका एक वरदान समझ के चबुक लगाते हैं ये फिर भगत जी इसमें जो चोट चाट लग जा तो देखो जी चोट नहीं लगती इस चीज में सुनो भाई चोट लगेगी जो गलत विचार जिसके होंगे या कोई भाई जैसे कि नशा करके आ गया वो के ये समझो के एक मतलब ढोंग के तरफ ढोंग के तरफ ले भाई उत्तर की पड़ताल आ रही सुनियो जितने मेरे दर्शक इस वीडियो में देखने लग रहे हैं मतलब ढोंग आड़ छट जाएगा अपने आप जो चाबुक मारेगा जय अगर इस चाबुक से चोट लगती है तो सीधी बात है कि तो दारू पी रहा है या आवारा गर्दी कर रहा है या मतलब वो ढोंग दतुरे करा है उसने बाबा अड़े सजा दे दे है नहीं तो अगर जो सच्ची सवारी है तो इस तक कुछ नहीं होता इससे तो जब अगर सवारी सच्ची है और सच्ची भावना है तो शरीर पे वजन होता है चाबुक लगने के बाद उसका शरीर भी इतना फूल की तरह एकदम इतना हो जाता है कि भाई अगले को ये महसूस नहीं होता अगर भी तेरे शरीर पे कोई वजन है या कोई दिक्कत है कितना ही चाबुक लगा लो जितना चाबुक लगाओगे उतना ये जैसे मान ले भाई बाबा की सवारी सवारी का मतलब तो ये भाई जार पीर या गोरखनाथ या मैया रानी या भाई हनुमान जी वो साक्षात देवताएं प्रवेश करे हैं या किसी के माध्यम तक वो चीज के हो है फिर वो थोड़ा खोल के बताओ क्योंकि इसमें चैलेंज सभी से बात कर रहा है कि जित पेशी प्यासी कोई भी देखे है मैंने भी अपने चैनल पर कुछ भजन पढ़े थे उनने देख के भी ये एक बात आई कि भाई आप पाखंड को बढ़ा दे रहे हो ठीक है भाई वो तो आप अपनी सोच और समझ की बात है लेकिन मैं यह बात पूछना चाहूं कि वो साक्षात देवताओं है या उसके घर की कोई चीज उसका रूप लेके आवे देखो जी इसमें ऐसा है जैसे मैं महाराज की सेवा कर रहा हूँ अपने ऊपर लेके चलो भी दूसरे की क्यों कहो जी मैं महाराज की सेवा कर रहा हूँ उन पर गोरखनाथ जी का आशीर्वाद है तो प्रवेश तो महाराज करेंगे हाजरी होगी महाराज की होगी गोरखनाथ जी का तो आशीर्वाद है उन पे अच्छा मतलब जो जुबान से बोलेंगे वो तो जैसे आप में प्रवेश कर गए तो महाराज जी बोलेंगे न कि गोरखनाथ गोरखनाथ महाराज जी बोलेंगे जिस भाई जो भी जिसमें सवारी आती है उसका घर का जो आदमी है पितर है कोई साधु संत है या कोई भी शुद्ध आत्मा है उस पे मैया का भी हो सकता है हनुमान जी का भी गोरखनाथ जी का भी किसी का आशीर्वाद है उस आशीर्वाद के तहत ही वो बोलेगा वो चीज आओगी वो आएगी लो भाई मतलब है अब भ्रम और बहम का तो कोई देख लाज लोकमान वैद्य के पास भी नहीं था दूसरी बात है कई आदमी कह देते हैं कि भाई तेरे घर में दो पितर है अच्छा तो ये के है दो हो सकते हैं एक जोत और एक भोग होना चाहिए उनका अच्छा अलग अलग नहीं होना चाहिए अच्छा कई आदमी क्या करते हैं भाई दो जोत लगवा दी दो प्राणी दे दिए भाई दो पितर है तेरे ये गलत बातें हैं पितर का एक ही भोग एक ही जोत और एक ही प्राणी होती है पितर की दो नहीं होती बिल्कुल भी एक ही होना चाहिए अगर हम दो देते हैं कई बार के है आजकल भाई देख किसी की वो बात निंदा तो हम नहीं करेंगे नहीं, नहीं, ठीक। बाकी ऐसी बात है कुछ ऐसे है कहेंगे भाई तेरे घर में तो अगले की समझ में तो बात आती नहीं जो भाई नुकसान की चीज है कोई भी है घर का है जैसे कोई भी है अगर वो नुकसान करता है तो वो उसको पितर रूप में नहीं कहेंगे भाई इसकी पूजा कर ले पितर की वो गलत है अच्छा भाई अपनी अगर उसकी अपनी शक्ति से जो गलत चीज है उसको दूर हटाओ भाई इनका जो पितर है उसने प्रवेश करवाओ और उसकी अपनी सेवा करवाओ अच्छा यो भी तो रोड़ा ये है बहुत देखे हैं हमारे पास ऐसे बहुत आदमी आते हैं अगर भाई हमारा दो पितर अगले से हम केवल इतना पूछते हैं तेरा नाम और गांव का नाम दो ही चीज मालूम करते हैं अगले से बाकी अगले को कहते हो भाई तू आराम से बैठ जो बातें हम बताते हैं उसका जवाब देना है तन्हा या नाम है अच्छा मतलब अगला तो आनाम जवाब दो इतना ही है जी हम बताओगे सारे महाराज जी बताओगे टोटली फोर जितना भी है अगले से अगले का नाम बाप का नाम और उसका गांव केवल तीन चीज पूछते हैं अगले को कहते हैं भाई आराम से बैठ और जो बातें बताते हैं उसका जवाब दे देना है।
एक बात और है भगत जी, मैं थोड़ा और मोड़ के ले आऊं इस बात के ऊपर, जो पितराली बात है ना, ये मतलब बड़ी विचित्र है। क्योंकि हम मैं एक बार मेहंदीपुर बालाजी गया था, तो जैसे हम तीन पहाड़ पे की चढ़ाई चढ़ा, हाँ वहां भी समाधि बन रही है, पितरों का नाम, गांव का नाम उड़ो लेकिन उड़ो समाधि बना दे, कोई तो खेता में बना दे, वो तो चलो भाई माउस ने तो पूछा, कुछ जाके न उड़े बना दे, फिर वो क्या कारण है? उसका कारण यो है जी, आके जैसे पितर बता दिए दो हैं, जो एक तो उसमें फायदा रखा है घर में, अच्छा। और एक करे है नुकसान, अच्छा। तो जो नुकसान वाला है उसको वहां ले जाके बाबा के चरणों में छोड़ा जाता है, उसकी जगह बना दी जाती है, बाबा से अरदास करी जाती है कि भाई बाबा इसको अपने चरणों में रखो, तो वो वहां रह के उस बाबा के भजन करता है अपने, उसकी मुक्ति हो जाती है उस जगह, फिर अगर बाबा के चरणों में आ गया, जितना उसका समय है तब तक अपना भजन करो बाबा का, और अपना करो घर वाला से, उनके घर में शांति हो जाए है, जो दूसरी चीज है वो अपने बाबा के चरणों में उतरे के उनका भजन करा है। बात में कोई फर्क नहीं रहा होगा, फिर भी अगर कोई रह भी गया है ना, तो वीडियो के कॉमेंट में अपना सवाल जरूर लिखे और चैनल ने सब्सक्राइब करते जाए। दोस्तों इतनी बात साफ सुथरी आपके बीच समझ में आ भी गई होगी, फिर भी जैक में कोई थोड़ी बहुत त्रुटि रह रही हो भाई, तो भाई तो भाई मार दो आगे तसल्ली कर ली, इस पे नंबर है अपना, टाइम लेके ने हर दरबार में आज कहा। दूसरी बात भगत जी एक और थी कि कई कमेंट आ रहे हैं और बार बार फोन भी आवे इस चीज के लिए कि बहुत से लोग फोन कर रहे हैं कि भाई हमने पितर का स्नान करवाना है भाई हरिद्वार में गढ़ में जहां भी मतलब उसका बनता है, तो इसके लिए कौन सा दिन सही है जो कि अपने पितर महाराज का स्नान करवा के लिए आ सके?